लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक लंबी परंपरा रही है। तदनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नई दिल्ली का कार्यालय क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय स्तरों पर विभिन्न खेलों में वार्षिक टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों सहित सभी राज्यों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों वाली टीमें इस तरह के टूर्नामेंट में प्रदर्शन करती हैं। टूर्नामेंट की गुणवत्ता और मानक इसलिए काफी उच्च है। महालेखाकार महाराष्ट्र नागपुर के कार्यालय के महालेखाकार मनोरंजन क्लब तिरुपति को आर तिरुपति वेंकट स्वामी महालेखाकार नागपुर के संरक्षण में इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम सिविल लाइन्स नागपुर में 29 मार्च 2023 से 3 दिवसीय इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होगा और 31 मार्च 2023 को समाप्त होगा। मैचों के लिए अन्य स्थल VCA ग्राउंड कलमना, SB सिटी ग्राउंड शक्करधरा और डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ग्राउंड दीक्षा भूमि नागपुर होंगे। न्यायमूर्ति VM देशपांडे अध्यक्ष VCA नागपुर 29 मार्च 2023 को सुबह 9 बजे टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे और पुरस्कार लता मल्लिका अर्जुन IA और AS महानिदेशक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान नागपुर द्वारा 31 मार्च 2023 को दोपहर 12 बजे वितरित किए जाएंगे। प्रवीर कुमार प्रधान महालेखाकार महाराष्ट्र नागपुर उद्घाटन और समापन समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे। ये कंट्रोलर ऑर्डर जनरल ऑफ इंडिया के INDAD इंटर जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट 29-31 हो रहा है नागपुर में। इस टूर्नामेंट में पूरा 8 टीम्स भाग ले रहा है। सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जोन्स ऑफ द कंट्री टोटल 8 टीम्स विल प्ले इन 4 ग्राउंड्स इन नागपुर। ये VCA सदर नागपुर में जो इनाग्रेशन होने वाला है इसमें एक दैट इज़ 1 ग्राउंड एंड कलमना VCA इज अनदर ग्राउंड। अंबेडकर कॉलेज स्टेडियम इज़ वन अदर ग्राउंड एंड SB सिटी ग्राउंड इज अनदर कॉलेज। सो ये 4 ग्राउंड में हमारा मैचेस होने वाला है। ये 29-31 होने वाला है मार्च। ये 3 दिन का आयोजन होने वाला है, 3 दिन का 29-31 होने वाला है। बट अभी फिक्चर्स तो अभी हुआ नहीं। 29-28 दैट इज़ टुमारो इवनिंग को मैनेजरियल मीट में कौन सा टीम किससे खेलेंगे दैट विल बी डिसाइडेड टुमारो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।